आगामी त्योहारों की श्रृंखला को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन डीसी सागर ने अनूपपुर जिले में पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन की उपस्थिति में उन्होंने अनूपपुर सहित कोतमा नगर में पुलिस की तैयारियों का निरीक्षण किया। जिला मुख्यालय में एडीजी ने बलवा ड्रिल का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित बल को दो भागों में बांटकर लाठी चार्ज कराया। जैसे ही पुलिस कर्मियों ने उपद्रवी बनकर सामना कर रहे पुलिस बल पर लाठियां बरसाई, वैसे ही बॉडी प्रोटेक्टर टूटने लगे, जिसको लेकर एडीजी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि समस्त थानों में रखे सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता का एक बार फिर परीक्षण करवाया जाए, किसी भी कीमत में सुरक्षा के संसाधनों में समझौता नहीं किया जाए। उपस्थित पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए एडीजी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी अनुशासन का पालन करते हुए पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। गर्मी के मौसम में भले ही बॉडी प्रोटेक्टर से हमें असहजता होती है, किंतु ये वही अस्त्र है जिसकी वजह से पूरा समाज खुद को सहज महसूस करता है। आपातकाल में तत्काल ही अपने कर्तव्य के प्रति मुस्तैद होने वाला पुलिसकर्मी ही समाज का सच्चा नायक है। जिला मुख्यालय में रक्षित निरीक्षक अमिता सिंह और सूबेदार वीरेंद्र कुमारी की उपस्थिति में बलवा ड्रिल किया गया, जहां एडीजी के द्वारा बलवा ड्रिल के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं कोतमा में लापरवाही बरतने पर फटकार भी लगाई गई।